हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पप्पू और आप देख रहे हो देसी ब्लॉग अड्डा। तो मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ अपना गांव। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मंदिर है, काली माँ का मंदिर है भाई। तो चलो दिखाता हूँ आपको आगे से। ये देख सकते हो, ये जो काली माँ का मंदिर है, और एक और मंदिर है भाई, दिखाता हूँ आपको। तो ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, सब बोलते हैं डीजल का पेड़ है, बट डीजल इसमें निकलता नहीं है भाई, सिर्फ नाम है डीजल का पेड़। और आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख सकते हो इधर का नज़ारा। और काफ़ी धूप है भाई, धूप में ही निकल गया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, ये देख सकते हो। और आपको मैं पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो पीछे का नज़ारा, जो कि एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, ये देख सकते हो ये। और इधर भाई तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ भाई, ये देख सकते हो आप। ये देख सकते हो भाई, तालाब है, देख सकते हो भाई हमारा गांव का नज़ारा। ये देख सकते हो तालाब, बहुत बड़ा है भाई तालाब ये तो, और इसमें मछली भी बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हो तालाब, और इधर तो देख सकते हो भाई धान का खेत, इधर बहुत सारा खेत है भाई, ये देख सकते हो आप। और आगे आपको दिखाता हूँ खेत इधर का, देख सकते हो क्या नज़ारा है, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो भाई गांव का नज़ारा। ये जो पेड़ है ना भाई, इसको बोलते हैं तार का पेड़, देख सकते हो ये तार का पेड़ है भाई, तार का पेड़, तार का पेड़ है भाई। ये देख सकते हो भाई, देख इधर बहुत सारा खेत है भाई, और वो रहा पहाड़, ये देख सकते हो इधर भी खेत है, और ये देख सकते हो इधर से हमारे गांव का रास्ता है भाई, गांव जाने का। ये देख सकते हो ये बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, ये तार का पेड़ है, और इधर तालाब है। पता है यहाँ आम का भी एक बागान है और काजू का भी बागान है, तो चलिए आपको वहाँ लेके चलते हैं, आम का बागान दिखाता हूँ आपको आज, आम का बागान और काजू का बागान, जो काजू इतना महंगा बिकता है ना, हमारे इधर तो बागान है भाई। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको काजू का बागान और आम का बागान। तो भाई थोड़ा दूर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, एक मेरा फ्रेंड है जो कि गाड़ी धो रहा है, इसका नाम है चंद्रशेखर। तो भाई चंद्रशेखर क्या कर रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो भाई? इसको डर लग रहा है भाई पानी में। ये तो चलो भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये पता नहीं। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हेलो गाइस, ये देख सकते हो आम का पेड़, ये पूरा आम का ही पेड़ है, देख सकते हो दिखता है छोटा छोटा, लेकिन फल बहुत देता है भाई। और आपको दिखाता हूँ आगे से, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पीछे से करके देख सकते हो, पूरा जो दिख रहा आम का ही पेड़ है, ये देख सकते हो आप लोग। उधर भी है भाई, उधर भी बहुत सारा पेड़ है, उधर भी बहुत सारा पेड़ है भाई, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और चलो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ थोड़ा, ये देख सकते हो ये सब पूरा आम का ही पेड़ है, देख सकते हो आप। पहले गाइस हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे जी। ये है काजू बागान जाने का रास्ता, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, ये आ गए हम काजू का बागान, अब देख सकते हो काजू का पेड़, बहुत सारा काजू का पेड़ है। और मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ,
ये देख सकते हो, ये अंदर जाने का रास्ता है। ये देख सकते हो काजू का पेड़, अभी फल नहीं है भाई, नहीं तो फल भी आपको दिखा देते हैं काजू का फल कैसा होता है। बहुत मीठा होता है भाई और बहुत बड़ा भी होता है, बिल्कुल सेब की तरह। आपको एप्पल तो पता ही होगा, बिल्कुल एप्पल की तरह होता है इसका फल। और इसके आगे जो अपने वो जो काजू दुकान से खरीदते हो ना भाई काजू, वो इसके आगे होता है छोटा छोटा बीज, इसी का बीज को बोलते हैं काजू, और वो दुकान में इतना महंगा मिलता है। अब देख सकते हो ये काजू का बगान, पूरा काजू का बगान देख सकते हो भाई, ये पूरा काजू का ही बगान है। ये देख सकते हो इधर भी काजू का पेड़ बहुत बड़ा है, अब देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फैक्ट्री जो कि हमारे गांव में ईंट बनता है, तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो फैक्ट्रीज, देख सकते हो गाइस, यहाँ सीमेंट का ईंट बनता है, सीमेंट का। ये देख सकते हो आप, ये देखो ये गाड़ी में लोड हो रहा है भाई, ये पूरा ईंट ईंट है, सीमेंट का ईंट है। ये देख सकते हो ये ईंट गाड़ी में डाल रहा है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा ईंट ईंट है। अब देख सकते हो, देखते हो आप ईंट बनाने का मशीन, ये तो जनरेटर है, ये देख सकते हो, ये जनरेटर है, ये सब मशीन है ईंट बनाने का। आप देख सकते हो कैसा कैसा मशीन है, ये देख सकते हो, ये पूरा ईंट बनाने का सांचा है भाई, सांचा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, फुटबॉल का खेल चल रहा है यहाँ, ये देख सकते हो। काफी अच्छा नजारा है, सनसेट का टाइम है, ये देखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए भाई।